आप कौन? तुम्हारे डायरेक्टर? उनसे पूछ तो लिया होता, उनसे कह दो मैं शूटिंग पे निकल रही हूँ, कह दो नहीं। हेलो जी, वो नहीं है। नहीं नहीं, जब मैंने कहा है, मेरा मतलब था कि मेरे दिल में है, जिगर में है, दुनिया में है, लेकिन घर में नहीं है। आज गई। ओके ओके, फिर मेरे हेड ड्रेसर को एक फोन लगाना प्लीज। तुम खुद लगा लो। तुम लगाना। मेरा ऑमलेट। मेरी हेड ड्रेसर। मेरा ऑमलेट। मेरी हेड ड्रेसर। ओके। क्या मैसेज है उसके लिए? उसको कहो आज मैडम शूटिंग पे चुड़ैल का रोल कर रही है, इसलिए सफेद बालों वाला विग जरूर लाए। हेलो कमीनी। कामिनी। कामिनी, मैं दिल बोल रहा हूँ। अरे वो तुम्हारा मोहब्बत वाला दिल नहीं, तुम्हारी मैडम का हप्पू। मैडम का अप्पू नहीं, हप्पू, हप्पू हस्बैंड। देखो आज मैडम जो है वो शूटिंग में चुड़ैल का रोल कर रही है, उनके लिए एक सफेद बाल वाला विग लेकर आना जरूर। वैसे इस रोल के लिए उन्हें मेकअप की जरूरत तो नहीं है। दिल, क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, वो ला रही है, विग ला रही है। चुड़ैल के रोल के लिए मुझे मेकअप की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, यानी कि मैं चुड़ैल हूँ? No doll, come on. मेरे कहने का मतलब तो ये था कि तुम इतने बढ़िया एक्ट्रेस हो कि तुम्हें किसी भी रोल के लिए मेकअप की जरूरत बिल्कुल नहीं है, और खास तौर पे चुड़ैल के रोल के लिए तो बिल्कुल नहीं है। दिल, वरना एक दिन मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। मैं उस सुनहरे दिन का इंतजार करूंगा। इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, बताओ कब चाहिए तुम्हें तलाक? मेरा ऑमलेट। ऑमलेट गया चूल्हे में, सो तो अब तक चला ही गया होगा। मुझे इतना तंग आ गए हो ना, तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक देने के लिए तैयार हूं। तुम मुझे तलाक नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि तुम्हें मुझसे अच्छा नौकर और कहीं नहीं मिलेगा। तुम मेरे नौकर नहीं हो, मेरे हस्बैंड हो। तभी तो अब तक टिका हूँ, वरना कब का छोड़ के चला गया होता। तुम्हें क्या हो गया है? आज नहीं हुआ मुझे, ये मुझे आज नहीं हुआ, ये मुझे एक हफ्ते से हो रहा है। जब से मैंने वो बाजू वाले केशव कुलकर्णी का परिवार देखा है ना, मुझे शर्म आती है अपने आप पर। मैं आपके लिए प्यारा प्यारा गुलाब का फूल लाया हूँ, लीजिए। डैडी, आप अकेले में किसके साथ बात कर रहे थे? किसी के साथ नहीं, क्यों? क्योंकि अभी अभी तो आप बोल रहे थे कि हेलो मैं आपके लिए फूल लाया हूँ। ठीक है ठीक है, तू कहाँ जा रहा है? मैं तो आपको ढूंढने जा रहा था। क्यों? क्योंकि मम्मी ने कहा है कि जाओ जाके देखो तुम्हारे डैडी दूध लाने गए या भैंस लाने। अभी मम्मी भी दिन में दो तीन बार पागल हो ही जाती है। ठीक है चलो, ये दूध की थैली लो, जाओ मैं अभी आता हूँ। जाओ। ये फूल? फूल क्या फूल? अरे डैडी, ये मम्मी के लिए लाया ना, दीजिए मैं लेकर आता हूँ। केकू, यू आर सो लकी बॉय, यू आर सो लकी, तुम्हें कोकी जैसी पत्नी मिली है, यू आर सो लकी। प्यारा प्यारा गुलाब का फूल लाया हूँ, लीजिए। गुड मॉर्निंग। किस सोच में डूबे हो? प्रेमा जी के गोखले। प्रेमा जी, हाँ हाँ हाँ, उसका नाम भी मत लेना। क्यों? कल रात को उसने सबको डरा दिया था। तो मुझे थोड़ी पता था वो चुड़ैल के रूप में चली आएगी। अपना शेट्टी। शेट्टी बॉस? बॉस बॉस को क्या हुआ? वो तो उसे देखकर इतना डर गया,
ऑफिस में ही नहीं आया। अभी अभी उसके वाइफ का फोन आया था, कह रहे थे कि वो रात भर चुड़ैल चुड़ैल कह रहा था। अच्छा हुआ अच्छा हुआ, लेकिन फिकर मत करो गोखले, प्रेमा जी का असली रूप एक दिन बॉस को मैं जरूर दिखाऊंगा। अरे हाँ, पहले तुम खुद तो देख लो। गोखले मेरे दोस्त मेरे यार, मैं उसी मौके की तलाश में गोखले दोस्ती बढ़ाना चाहता हूँ। बढ़ाओ बढ़ाओ, पड़ोस में ही तो रहती है। वही तो मुसीबत है, दैट इज द प्रॉब्लम। अरे बीबी की नजर से बचकर प्रेमा जी से नजर तक मिलाना मुश्किल हो जाता है। तो मौका देखकर कहीं बाहर मिल लो। मैं उसी मौके की तलाश में हूँ, बस एक मौका, एक मौका मिल जाना चाहिए, एक मौका। चिंटू चिंटू, अरे तो अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाना है क्या? चलो उठो केशु। हाँ केशु, इसे स्कूल छोड़कर आओ ना। व्हाट, मैं स्कूल छोड़कर आऊँ? क्यों क्यों नहीं, रोज मैं नहीं जाती, आज तुम जाओ। क्यों, आज कोई खास बात है क्या? हाँ, आज टीवी पर भिंडी और कद्दू की जुगलबंदी है। मर गए, मतलब आज तुम एक और नई डिश बनाओगी और कल मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी। अरे घर में रोज तो जुगलबंदी चलती रहती है, ये टीवी देखने की क्या जरूरत है? केशु प्लीज, मैं रसोई प्रोग्राम की बात कर रही हूँ। मुझे लगा तुम अपने बारे में बात कर रही हो। ये फालतू बातें बंद करो और उसे स्कूल छोड़कर आओ। देखो कुकी, तुम सुबह सुबह परेशान मत करो, इस अखबार में मैं अपना भविष्य पढ़ रहा हूँ। ओहो हो हो, क्या बात है, आज घर में शांति बनी रहेगी। शादी के बाद पहली बार इतना अच्छा भविष्य पढ़ने को मिला। तुम्हें घर में शांति चाहिए ना, तो चिंटू को स्कूल छोड़ा। क्या हुआ? घुटनों में दर्द। भैया लाया? ऑफिस के डॉक्टर ने भी चलने फिरने से मना किया था। तुम सीधी तरह से जाते हो या नहीं? देखो कोकि, तुम ज्यादा जिद मत करो, वरना ये आज का भविष्य घर में शांति बनी रहेगी गलत साबित होगा। भविष्य गया भाड़ी। चिंटू ये मम्मी, चलो उठो, आज डैडी तुम्हें छोड़ने आ रहे। तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मुझे शर्म आती है। मतलब? मैं स्कूल के दोस्त पूछते हैं, चिंटू चिंटू तेरे साथ वो जोकर कौन था? अब तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। केशु प्लीज। नहीं, मेरे घुटनों में दर्द है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे 10 मिनट का तो रास्ता है। मम्मी मम्मी, मेरी जो प्रेमा आंटी है ना, प्रेमा आंटी। हाँ। और जॉगिंग करने गई है। ओकी तुम एक काम करो, आराम से घर में बैठ के टीवी देखो, मैं चिंटू को छोड़ के आता हूँ। तो डॉक्टर ने चलने फिरने को मना किया है ना? डॉक्टर ने चलने फिरने को मना किया है, दौड़ने को नहीं। Come on, चिंटू। Oh no, आज मेरे दोस्त फिर मजाक उड़ाएंगे। गुड मॉर्निंग प्रेमा जी। गुड मॉर्निंग। मौसम बड़ा अच्छा है नहीं? अरे ये क्या हो गया? वो बहुत दिनों से जॉगिंग करने की आदत छूट गई है। हाँ दीजिए हाँ दीजिए। गुड मॉर्निंग कहता चाहूं। नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में था, वरना जरूर बैठता। आप कुछ टीवी पे देख रहे थे? हाँ, एक अच्छी रेसिपी बता रहे थे, पर पता नहीं बीच में एकदम नेता का भाषण दिखाने लगी। मैं कुछ हेल्प करूं? वो कैसे? अरे आप भूल गए, मैं वो हाँ
शेफ शेफ था शेफ। फिर तो आप जरूर जानते होंगे भिंडी और कद्दू की जुगलबंदी। अरे भिंडी और कद्दू की जुगलबंदी क्या, मैं तो आलू टमाटर गवार बैंगन और मुर्गा मुर्गी नेता अभिनेता श्रीमान श्रीमती सब की जुगलबंदी लगा सकता हूँ। लेकिन ये आलू की जुगलबंदी तो घर घर में पकती है। मुर्गा मुर्गी श्रीमान श्रीमती श्रीमान श्रीमती। क्या हुआ श्रीमान जी, कहीं दिखाई नहीं दे रहे? यू मीन केशव जी? केकू जी वो स्कूल गए हैं। इस उम्र में? नहीं, चिंटू को छोड़ने गए हैं। अच्छा, मुझे क्या लगा कि शायद बचपन में पढ़ने का टाइम नहीं मिला तो अभी स्कूल गए हैं। रेमा जी क्या कर रही है? जॉगिंग करने गई है। ओ, कितना ख्याल रखती है ना अपनी सेहत का। रखना ही पड़ेगा। क्यों, क्यों क्या नहीं रखेगी तो माँ के रोल मिलेंगे। आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती हैं? नहीं, मैं माँ का रोल कर रही हूँ ना। नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। क्या है कि बॉडी की भी एकदम मस्त हो जाती है। हाँ, वही सोच रही हूँ मैं कि कोई हेल्थ क्लब भी ज्वाइन कर लूँ। क्यों हेल्थ क्लब? क्यों, क्यों नहीं? अरे दो चार आइटम तो आपको मैं बता सकता हूँ। हाँ। क्या थक गई प्रेमा जी? थोड़ा बहुत है। वैसे आपको मैंने पहले जॉगिंग करते हुए नहीं देखा यहाँ पर। हम बहुत सालों के बाद जॉगिंग कर रहा हूँ। वजन बढ़ गया है ना, डॉक्टर ने सलाह दी है जॉगिंग करने के लिए। बैठ जाता हूँ मैं। आप भी थक गए हैं। अरे नहीं नहीं, मेरा अरे मेरा स्टेमिना तो काफी बढ़िया है। हाँ, अरे चलती ट्रेन को एक झपट में पकड़ लेता हूँ। रियली? हाँ, आप जानती है प्रेमा जी, एक बार मैं ट्रेन से गिर गया था। लेकिन मुझे चोट ही नहीं आई, पूछिए क्यों? क्यों? मेरे नीचे एक दूसरा आदमी था। आपकी हंसी बड़ी प्यारी है प्रेमा जी। चले बैठिए ना, आपके साथ बात करने का मौका फिर कब मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, आप हमारे घर आइए ना। जरूर। कोकी जी और चिंटू का लेकर। कोकी और चिंटू को लेकर? लेकिन मेरी बीवी का नाम आपको कैसे पता चला? दिल ने बताया। दिल ने? दिल रूपा मेरे पति ने बताया। आपको तो पता ही होगा, उसका तो आपके घर में सुबह शाम आना जाना लगा ही रहता है। आना जाना लगा रहता है? आपको तो पता होगा। शायद मेरी गैराजरी में जाता होगा। शूटिंग करने में लेट हो जाऊंगी। लेट्स गो बाबा। प्रेमा जी। सच मुझ लग गया। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। हाँ, अभी थोड़ा चेंज करते हैं। हाँ, उधर टर्न करो, टर्न करो। अभी आगे पीछे, आगे पीछे। टच नहीं, टच नहीं। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। ये आम को एक्सटेंड करके आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। अब सामने। यस, सामने पीछे, सामने पीछे। केकू जी, केकू जी, वो जरा मैं इनको एरोबिक्स सिखा रहा था। हाँ, मैंने देखा। बाय द वे, आज शाम का आपका क्या प्रोग्राम है? नहीं, मुझे एरोबिक्स नहीं सीखना। नहीं, मैं उसमें ये कह रहा है, मैं ये कह रहा था कि आज शाम को अगर आप दोनों फ्री हैं तो हमारे यहाँ चाय पे आइए ना। नहीं नहीं, आप आइए ना हमारे यहाँ। नहीं, पहले आपको आना चाहिए। नहीं, पहले आप। नहीं, पहले आप। पहले आप। पहले आप। 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 पहले आप। जी ठीक है, जैसा आप कहें। शाम को बंदा हाजिर हो जाएगा। और बंदी? जी बंदी नहीं, मैं प्रेमा जी की बात कर रहा हूँ, उनको भी साथ ले आइए। ठीक है। तो फिर आज शाम को डन 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 बंदी एरोबिक्स। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन डॉल खाली पड़ोस में तो जाना है। मैं शूटिंग करके थक गई हूँ, और वो भी लव सॉन्ग की शूटिंग। टेक्स कम रीटेक्स ज्यादा। लेकिन वो बेचारी कोकी ने कितने प्यार से बुलाया है हमें। प्यार से बुलाया है तो तुम्हें बुलाया होगा। तुम चले जाओ, मैं तो नहा के बेडरूम को बंद करके एसी ऑन करके अकेले सो जाऊंगी।
वो तो तुम रोज करती हो, लेकिन वो बेचारी कोकी क्या समझेगी। बहुत देर से बेचारी बेचारी सुन रही हूँ उसके बारे में। उस पड़ोसन के लिए तुम्हारे दिल में जरा ज्यादा ही हमदर्दी है, क्या बात है? देखो देखो अब तुम्हारे मन में डाउट आ गया है। ओके गो, आई मीन डोंट गो। गुड इवनिंग। अंकल आप और आंटी आ रहे हैं ना हमारे घर पर आज? डॉल आ रहे हैं। जाके अपनी मम्मी से कह दो आ रहे हैं। थैंक यू आंटी। जा रहे हैं। मैं भी देखूं तुम्हारी इस बेचारी पड़ोसन में ऐसी कैसी स्पेशल बात है। डॉल इज सो क्यूट। दिल बिहेव योरसेल्फ। अरे बाबा कोकी हटो जरा, मैच पॉइंट है। हाँ केशु देख रहे हो ना, मैं काम ही कर रही हूँ। मम्मी मम्मी बल में लगा रहे। अच्छा हाँ। अरे केशु चलो उठो कपड़े पहनो। अरे वाह कपड़े पहने तो हैं। ऐसे बनियान में बैठोगे क्या उनके सामने? लेकिन कौन आ रहा है? वही प्रेमाशालिनी। व्हाट? फिर तो मुझे कपड़े बदलने पड़ेंगे। वही तो कह रही हूँ। चलो हटो। अरे यहाँ कहाँ जा रहे हो? बेडरूम उस तरफ है। बेडरूम भूल गया। ओ, उसका नाम सुनते ही बेडरूम भूल गए। कमाल है बाबा कमाल है। हेलो। आई आई है, बिल्कुल वक्त पे आ गया। मैं हर जगह वक्त पे ही जाती हूँ। अरे शूटिंग में लेट जाती हैं। आई है ना अंदर आई है। कम बैठी। हेलो चिंटू बेटे। हाय चॉकलेट भी लाए क्या? ये चिंटू बेटा चॉकलेट तो नहीं। इट्स ऑल राइट। अच्छी इंग्लिश बोल लेता है बेटा। कौन से बोल रहे हैं? आपके हब्बू कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हब्बू? हस्बैंड है ना अंदर है। चिंटू जाओ डैडी को बुला लाओ। डैडी अगर हो गया हो तो बाहर आ जाओ। अगर हो गया हो तो मतलब। हेलो प्रेमा जी। हेलो हेलो नाइस टू मीट यू। सेम हियर। ये मेरे हस्बैंड दिलरुबा है। नाइस टू मीट यू। ओह सेम हियर। और मैं इनकी पत्नी कोकिला। बैठिए ना प्रेमा जी, बैठिए प्लीज बैठिए। मैं भी बैठूं? ओह श्योर श्योर कोकी, मैं भी जरा बैठता हूँ यहाँ। आपको यहाँ के पड़ोसी कैसे लगते हैं? अच्छे हैं, पर कोई हमसे बात ही नहीं करता। सिर्फ जॉगिंग के वक्त मिलते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे केशव जी? बोलिए। हाँ ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? पड़ोसी। हाँ पड़ोसी वही अच्छे होते हैं जो दूर रहकर भी करीब होते हैं। हाँ पड़ोसी केशव जी, पड़ोसी काफी काम आते हैं, खास करके संकट में। अरे प्रेमा जी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ आ जाइएगा। क्यों कोकी? क्यों नहीं इनके पास चले आइएगा। आप आधी रात को आएंगी तो भी चलेगा। क्यों कोकी? हाँ अब जब आना ही है तो चलेगा, सब चलेगा। Oh, that's so nice of you. आप मेरे शूटिंग या ड्रामा देखने जरूर आना। जरूर आएंगे। क्यों कोकी? ये तो शायद हर शो पे आएंगे है ना। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी चाय लेकर आऊं। मैं आपकी मदद करता हूँ। नहीं नहीं आप बैठिए ना। मैं डॉल आई नो हाउ टू टी कॉफी आई नो। चलिए इट्स ऑलराइट। चिंटू तू चल मेरे साथ। चलिए हेलो प्रेमा जी। वो तो हो गया। Well, what? Oh, आपका ड्रेस। क्या हुआ? आप इस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। Oh, thank you. आहिस्ता. क्यों? आपके जाने के बाद मुझे इस घर में रहना है। You know what I mean? आपकी वाइफ आप पर शक करती है? किसकी वाइफ शक नहीं करती? मैं नहीं करती, मैं दिलरुबा पर कभी शक नहीं करती। उस पर शक करने से फायदा भी क्या? शक।
बड़े लो बड़े। गर्मा गर्म चाय लीजिए। थैंक यू सर। चाय फैंटास्टिक फैंटास्टिक। लेकिन लेकिन नमक थोड़ा कम है। सॉरी 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 डॉल, मुझसे रहा नहीं गया। नो 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 इट्स ऑलराइट। वड़े में नमक होता है, मुझे आज ही पता चला। आप अपने घर में खाना नहीं पकाते क्या? मैं? अरे खाना पकाना तो पत्नियों का काम है। देखा देखा, क्यों आपके यहाँ खाना कौन पकाता है? हमारे यहाँ तो खाना मैं ही पकाता हूँ, क्योंकि हमारे घर में है मैं पत्नी हूँ और ये पति। मजाक कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। हमारे घर में खाना पकाना, कपड़े धोना, सुखाना, प्रेस करना। गले में शायद बड़ा अटक गया। आप पानी लीजिए, पानी लीजिए। अब ठीक है। आई थिंक बहुत देर हो चुकी है, लेट्स गो। पर अभी टाइम है डॉल, लेट्स गो। ओके थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, थैंक यू। बाय प्रेमा जी। बाय बाय बाय। कैसी लगी? मेरा मतलब है जोड़ी। तुम उस कोके के बारे में पूछ रहे हो? हाँ, कैसी लगी? प्यारी लगी ना? बहुत। नहीं, प्यारी मतलब वो ठीक थी, ठीक थी। झूठ मत बोलो केशु, झूठ मत बोलो। आज मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया है। क्या मतलब? तुम उस औरत पे लट्टू हो गए हो। ये झूठ है, ये सच है, वरना आते ही उसका हाथ नहीं पकड़ लेते। हाथ उसने मेरा पकड़ा था, उसे शेक हैंड कहते हैं। चुप करो तुम। ग्रैग टिमेटियो तो पति को कर रहे थे और हाथ उसका हिला रहे थे। कितने जोर जोर से मेरा हाथ हिला रहा था। लगता है अपनी जिंदगी में पहली बार मौका मिला है किसी पराई औरत से हाथ मिलाने का। खबरदार, आज के बाद किसी गैर औरत से हाथ मिलाया तो। तुम्हें उस कोकी के बच्चे को ये बताने की क्या जरूरत थी कि घर में खाना तुम पकाते हो? शुक्र मनाओ कि मैंने उसको ये नहीं बताया कि घर में झाड़ू भी मैं ही लगाता हूँ। अगर झाड़ू लगाने के बारे में तुम कुछ भी कहते ना, तो झाड़ू लेकर मैं तुम्हारी वही पिटाई करती। Chop! 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 Chop